नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश गैजेट्स इन टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं टेक अपडेट नंबर 18 और मैं आप सभी लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग अपडेट लेके आऊं। कुछ यहां पे गूगल की तरफ से, कुछ टेस्ला मोटर की तरफ से, कुछ यहां पे युवावे के फोन्स के लिए है और कुछ यहां पे सैमसंग की तरफ से। दोस्तों तो आप आगे देखते रहो मेरे साथ में इस वीडियो को, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूं। पहला जो अपडेट है यहां पे गूगल की तरफ से, और गूगल ने नया डोमेन एक्सटेंशन पे अनाउंस कर दिया है जो कि यहां पे .dev है। पहले भी गूगल ने अनाउंस किया था .app और अभी डेवलपर्स के लिए यहां पे नया एक्सटेंशन अनाउंस कर दिया। दोस्तों .developers का नाम है, मतलब .dev हम इसको बोलते हैं। नॉर्मली हम यूज करते हैं .com .in .co .in .net .org, लेकिन यहां पे नया एक्सटेंशन एड ऑन हो गया है दोस्तों, और बहुत ही जल्दी आपको रीसेलर वेबसाइट्स पे ये देखने को मिल जाएगा, चाहे वो GoDaddy है या फिर कोई अदर वेबसाइट्स है, वहां से आप इसको खरीद सकते हो। और इसका जो प्राइस होने वाला है $20 का प्राइस है, लगभग इंडियन रुपीज में अगर हम कन्वर्ट हैं तो 1500 रुपए के आसपास इसका प्राइस निकल के आता है। अगला अपडेट यहां पे युवावे के P सीरीज के फोन्स के लिए है, और P सीरीज के जो फोन है P30 और P30 Pro, इन फोन्स पे आपको 4 कैमरा सेटअप मिल सकता है दोस्तों। स्पेशली जो P30 Pro है उस पे 4 कैमरा सेटअप आपको बैक साइड में मिलेगा, और बताया जा रहा है कि जो ऑप्टिकल जूम होने वाला है इस फोन का वो काफी कमाल का होने वाला है। फ्लैगशिप ग्रेड का ये फोन होगा और इसमें जो चिपसेट है वो भी आपको काफी कमाल का मिलने वाला है। और एक और बात है कि इसकी जो लॉन्च डेट सेट की गई है 26 मार्च है, पेरिस में इसका लॉन्च इवेंट है दोस्तों। तो काफी अच्छी बात है, देखते हैं कि कौन कौन से फीचर इस फोन पे मिलते हैं और देखते हैं कि इंडियन मार्केट में ये लॉन्च होता है या फिर नहीं होता है। अगला अपडेट यहां पे टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में है, और यहां पे एलन मस्क ने एक अनाउंसमेंट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि टेस्ला की जो ऑटोमेटेड कार हैं जो ऑटोमेटिकली चलती हैं वो 2020 तक फुल्ली ऑटोमेटेड हो जाएंगी। मतलब जो ड्राइवर है वो एकदम से सो के जा सकता है और अपनी डेस्टिनेशन सेट करके वहां तक पहुंच सकता है विदाउट स्टीयरिंग पे हाथ लगाए हुए। तो काफ़ी अच्छी बात है, देखते हैं कि वो मॉडल्स कौन सा होता है। मॉडल एस, एक्स, बहुत सारे मॉडल्स आते हैं टेस्ला मोटर के। हालांकि अभी भी सेल्फ ड्राइविंग कार है टेस्ला की, लेकिन वो चाहते हैं कि फुल्ली ऑटोमेटेड जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं वो फुल्ली ऑटोमेटेड सेल्फ ड्राइविंग कार हो दोस्तों। तो 2020 तक का उनका प्लान है, देखते हैं कि इंडियन मार्केट कब आती हैं और इंडियन रोड की जो सिचुएशंस हैं उन पे वो फुलफिल कर पाती हैं उन सिचुएशंस को, या फिर देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें सामने आती हैं बाद में। यहां पे दोस्तों विदाउट ड्राइवर की कार चलेगी तो कितना मजा आएगा आप सोच सकते हो। मतलब आदमी अगर सीट में बैठा हुआ सोया हुआ, कार अपने आप चल रही और आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा रही है, कितना अच्छा एक्सपीरियंस वो हो सकता है। अगला अपडेट यहां पे सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग ने जो इवेंट कल रखा था सैन फ्रांसिस्को में, वहां पे बताया कि हमने अभी तक पिछले 10 सालों में 2 बिलियन स्मार्टफोन बेच दिए हैं। काफ़ी बड़ा नंबर है, मतलब 200 करोड़ स्मार्टफोन उन्होंने बेच दिए हैं। ये लगभग अमाउंट है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं नंबर, क्योंकि यहाँ पे एक दो साल का डेटा उन्होंने कुछ करेक्ट करके नहीं बताया, क्योंकि गैलेक्सी सीरीज जब अनाउंस हुई थी उसके बाद का ही ये डेटा है दोस्तों। तो 2 बिलियन डिवाइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे सैमसंग के फ्लैगशिप ग्रेड स्मार्टफोन को लेके है। बहुत टाइम से ये फ़ोन लीक में चल रहे थे, बहुत सारी लीक इसकी सामने आई दोस्तों, कई सारी इमेजेस सामने आई, कई सारे फीचर्स, कैमरा फीचर्स, बहुत सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन यहाँ पे फाइनली कंपनी ने अनाउंस कर दिया ये स्मार्टफोन। ये है यहाँ पे Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S10e, Samsung Galaxy S10 का यहाँ पे 5G वर्जन और फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Fold के नाम से दोस्तों सारे फोन अनाउंस हो गए हैं, प्राइसिंग भी सामने आ गई है और सारे फीचर यहाँ पे सामने आ गए हैं। तो थोड़ा सा जानते हैं इन सारे फोन्स के बारे में। यहाँ पे जो Samsung Galaxy S10 है इसमें आपको 6.21 इंच का डिस्प्ले मिलता है, डायनेमिक AMOLED डिस्प्ले है जो कि QHD Plus रेजोल्यूशन के साथ में आता है। तो ये यहाँ पे काफी खास है दोस्तों, Corning Gorilla Glass 6 की आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, हाई PPI है, तो काफी अच्छी बात है इस फोन की। और यहां पे अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो आपको इसमें प्रोसेसर मिल रहा है 2 सेटअप का, मतलब एक में मिल रहा है Qualcomm Snapdragon 855 और दूसरे पे मिल रही है Samsung की इनहाउस Exynos 9820 चिप का सपोर्ट, जो कि यहां पे 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे काम करती है और Qualcomm वाली 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे काम करती है दोस्तों। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है इस फोन पे, और फ्रंट पे आपको मिलता है सिंगल कैमरा 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल, और फ्रंट पे 10 मेगापिक्सल का सेंसर लगा हुआ है दोस्तों। मतलब यहां पे कैमरा क्वालिटी आपको काफी गजब की मिलने वाली है, वाइड एंगल टेलीफोटो लेंस और अल्ट्रा वाइड लेंस है बैक साइड में, और फ्रंट की क्वालिटी भी आपको काफी कमाल की मिलने वाली है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, स्लो मोशन वीडियोस, वो सारी चीजें आप इससे कैप्चर कर सकते हो। कुछ और भी खास फीचर है, यहाँ पे फास्ट चार्जिंग होने वाली है और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। 15 वॉट के चार्जर्स हैं यहाँ पे और 3400mAh की आपको बैटरी मिल रही है इस फोन पे। 2 वेरिएंट में ये फोन आता है, 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज और 8GB रैम, 512GB इंटरनल स्टोरेज। तो बाकी मतलब कुछ कुछ फीचर आपको अलग मिलेंगे इसमें Samsung Galaxy S10 Plus से, और यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर,
काफ़ी यहाँ पे क्विक है और काफ़ी रिलायबल है दोस्तों, काफ़ी सिक्योर रखेगा आपके स्मार्टफोन को, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम बात करते हैं इसके S10 प्लस वेरियंट की, तो यहाँ पर आपको कुछ और फीचर मिल रहे हैं। थोड़ा बड़ा साइज़ है, 6.4 इंच का डिस्प्ले है, बाकी वही QHD प्लस रेजोल्यूशन है। और बैटरी यहाँ पर आपको मिलती है दोस्तों सेम 3400mAh की बैटरी मिलती है। जो रियर कैमरा है वो तो सेम है इस फोन पे, 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल, लेकिन फ्रंट पे आपको दो सेंसर मिल रहे हैं। यहाँ पे 10 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल के सेंसर है, तो फ्रंट की जो सेल्फी की क्वालिटी है वो आपको थोड़ा सा हट के मिलने वाली है, मतलब S10 से काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे दो सेंसर यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पे प्राइसिंग भी थोड़ा सा ज़्यादा है इस स्मार्टफोन की दोस्तों। यहाँ पे ये फ़ोन दो डिज़ाइन में आएंगे, सिरामिक बैक और ग्लास बैक। जो सिरामिक बैक होगा उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और एक फ़ोन ऐसा भी है जिसमें आपको बैक साइड में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिल रही है, वो शायद 8GB या फिर उससे ऊपर के वेरियंट में आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं S10 प्लस के कुछ और फीचर के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों डिज़ाइन आपको लगभग वही मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा कैमरा अंतर है, और यहाँ पे जो वेरियंट है उस पर भी थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 12GB तक की रैम मिल रही है और 1TB तक का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है। हाई स्पीड की आपको स्टोरेज कैपेसिटी मिल रही है इसमें, तो काफ़ी क्विकली आप इसमें डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हो, और 8GB 120 और 8GB 512GB तो मिल ही रहा है आपको इस स्मार्टफोन पे। अब थोड़ा सा जानते हैं जो S10e स्मार्टफोन है, प्रोसेसर आपको वही मिल रहा है, लेकिन जो डुअल कैमरा सेटअप है बैक में वो केवल दो कैमरे आपको मिल रहे हैं। और बाकी अगर बात करते हैं साइज़ की, तो उसका साइज़ भी थोड़ा सा कम मिल रहा है S10 और S10 प्लस के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे थोड़ा छोटे साइज़ का है और प्राइसिंग भी कम है इस स्मार्टफोन की। अब थोड़ा सा बात करते हैं तीनों ही स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में। यहाँ पे जो S10 और S10 प्लस स्मार्टफोन है दोस्तों, यहाँ पे $899 है सैमसंग गैलेक्सी S10 का प्राइस, 64,000 रुपये के आसपास इसका प्राइस निकल के आता है। जो S10 प्लस है $999 है, और इस प्राइस को अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 71,000 रुपये के आसपास आता है। और यहाँ पे बात करते हैं अगर जो दूसरा वेरिएंट जो सबसे सस्ता वाला है सैमसंग गैलेक्सी S10e, उसका प्राइस है $750, 52,000-53,000 रुपये के आसपास कहीं निकल के आता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के बारे में। ये फ़ोन यहाँ पे सबसे खास स्मार्टफोन है दोस्तों, यहाँ पे फोल्डेबल डिज़ाइन के साथ में आता है, आप जाके वीडियो भी देख सकते हो इस स्मार्टफोन की, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आपको मिलता है, मतलब जो फिनिश दी हुई है ना वो काफ़ी कमाल की है इस स्मार्टफोन की। यहाँ पे दो डिस्प्ले मिलते हैं आपको, एक तो पूरा फोल्ड होता है और एक बैक साइड में है दोस्तों। यहाँ पे 4.6 इंचेस का है बैक साइड में, जो कि आपको फ्रंट पे देखेगा, जहाँ से आप कॉल कर सकते हो, फोटो खींच सकते हो, लेकिन जो मेन डिस्प्ले आपको वो 7.3 इंच इसका आता है। और साथ में जो आपको मिलता है वेरिएंट, वो इसका सिंगल वेरिएंट है, 12GB की रैम और यहाँ पे 512GB इंटरनल स्टोरेज। एक ही वेरिएंट में कंपनी ने लॉन्च करा ये फोन, और यहाँ पे स्नैपड्रैगन 855 चिप का आपको सपोर्ट मिलता है, 7nm की टेक्नोलॉजी पे काम करती है चिप। और बैटरी यहाँ पे काफी बड़ी मिल रही है दोस्तों, 4380mAh की बैटरी मिल रही है, 18W का फास्ट चार्जर है इसमें, और एंड्रॉयड पाई का आपको सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे एंड्रॉयड जो पाई है दोस्तों, इसमें आपको लेयर मिलती है One UI की, कस्टमाइज UI है, तो यहाँ पे बहुत सारे कमाल के फीचर आपको मिलने वाले इस फ़ोन पे। और कैमरा सेटअप है 12MP प्लस 12MP प्लस यहाँ पे 16MP का आपको सेटअप मिल रहा है। और जो बैक साइड है वहाँ पे आपको मिलता है 10MP प्लस 8MP, लेकिन यहाँ पे एक और कैमरा लगा हुआ है दोस्तों, जो कि यहाँ पे फोल्ड जो होता है ना उसके साथ में इसमें कैमरा मिलता है आपको फोल्ड के साथ में, तो वो काफ़ी कमाल की बात है। और दोस्तों एक और कमाल की बात मैं बता देता हूँ इस फ़ोन की, इस फ़ोन का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा रखा हुआ है कंपनी ने, इसका प्राइस है $1980, और इंडियन रुपीज़ में अगर हम इस प्राइस को कन्वर्ट करते हैं तो 141,000-142,000 रुपये के आसपास कहीं कन्वर्ट होके आता है। तो ये सारी बातें थी सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज़ के बारे में और फोल्डेबल स्मार्टफोन के बारे में। अब थोड़ा सा और बात करते हैं, यहाँ पे कंपनी ने कुछ और चीज़ें भी लॉन्च करी इसके साथ में, जो कि यहाँ पे वियरेबल डिवाइसेस थी दोस्तों, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी वॉच एक्टिव यहाँ पे लॉन्च करी है, जो कि यहाँ पे एक स्मार्ट वॉच है। उसके बाद में सैमसंग गैलेक्सी फिट भी लॉन्च करा है, जो कि यहाँ पे बैंड है, और इसमें आपको वही फीचर मिलने वाले हैं, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का भी इसमें ऑप्शन मिल रहा है, बाकी स्टेप काउंटर, टाइम वाइम, वो जो क्लॉक व्लॉक सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। और साथ में एड ऑन कर दिया है इस टाइम पे ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, और इसके साथ में ईयरबड्स को भी लॉन्च करा है कंपनी ने। तो बहुत सारी डिवाइसेज यहाँ पे लॉन्च करी हैं, मतलब आदमी कन्फ्यूज हुआ कि कौन सी डिवाइस कौन सी लूँ कौन सी ना लूँ, किसका प्राइस कितना है, किसके फीचर कौन से हैं, तो आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे इन सारे फीचर्स को अगर आप कोई स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो इन सारे फोन्स में से दोस्तों। और अब चलते हैं फाइनल अपडेट की तरफ। यहाँ पे Xiaomi ने कल 3 स्मार्टफोन लॉन्च करे थे, जो कि यहाँ पे Xiaomi Mi 9 SE और Mi 9 एक्सप्लोरर एडिशन, जो कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैक डिजाइन के साथ में आता था दोस्तों। ये फोन सबसे खास स्मार्टफोन है
इन सब में से इसका प्राइस भी है 3999 चाइनीज युआन 41-42 रुपए के आसपास। और इसमें आपको मिलती है 12GB तक की रैम, 256GB का इंटरनल स्टोरेज और इसके जो बैक सेंसर हैं वो आपको वही मिल रहे हैं मी 9 वाले दोस्तों। 48 मेगापिक्सल का इसमें मेन सेंसर है जो कि यहाँ पे सोनी का IMX586 है दोस्तों। और यहाँ पे सबसे कमाल की बात है कि 7P इसमें लेंस मिल रहा है आपको, F1.47 इसका एपेचर है और सबसे कमाल की बात है कि जो स्टोरेज है इसमें UFS 2.1 है, तो काफ़ी फास्ट आपको यहाँ पे डेटा ट्रांसफर मिलने वाला है और काफ़ी गजब का ये फ़ोन है। काफ़ी अच्छी वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है और इसके सबसे कमाल की बात है इस फ़ोन की, इसमें आपको प्रोसेसिंग काफ़ी क्विक मिल रही है और साथ में जो इसके कैमरे हैं वो काफ़ी कमाल के हैं क्योंकि यहाँ पे जो कैमरा क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रूव है इस फ़ोन की। तो यहाँ पे अगर आप फ़ोन खरीदना चाहते हो ना 40,000-42,000 रुपये के बजट में तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है। तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट टेक अपडेट्स कवर कर दिए मैंने इस वीडियो में। आप जरूर नीचे कॉमेंट में बताना कि कौन सी टेक अपडेट आज की आपको सबसे बढ़िया लगी दोस्तों और कैसी लग रही है टेक अपडेट सीरीज, सारी चीज़ें नीचे कॉमेंट में लिखना। आपका मेरे लिए कोई सजेशन ओपिनियन है तो जरूर नीचे कॉमेंट में लिख सकते हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।